Assalamualaikum, welcome back to my channel and subscribe Insha's Mom's Vlog and hit the bell icon button and don't miss my any notification and my videos. जी तो गाइज मैं यहाँ हूँ नीचे जहाँ है जी वॉशिंग मशीन, इसका मतलब है जी मैं हूँ जी लाउंड्री रूम में. दिस इज़ वेरी वेरी फुल ऑफ डर्टी क्लॉथ्स. तो आज प्लंटी सारी लाउंड्री होने वाली. वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ मदर्स ज़्यादा लाइक नहीं करती, मिनिमम मदर्स लाइक नहीं करती लाउंड्री, बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती हैं लाउंड्री को, क्योंकि सब कामों में से आई थिंक दिस इज़ टास्क वाला काम है. दिस इज़ बिग टास्क कि हम वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, देन फोल्ड करते हैं, देन इकट्ठे करते हैं, देन आयरन करते हैं, देन फोल्ड करके हम उनको हर क्लोज़र में जाके अच्छे से सेटअप करते हैं, मीन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. तो दिस इज़ बिग 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 टास्क. उन मदर्स में से मैं भी एक मदर हूँ जी, जो कि सारे कामों के साथ साथ लाउंड्री को भी मैनेज करती हूँ जी. यहाँ पे सारा फैलाव पड़ा है, मेरे सारे कपड़े वगैरह हैं एंड कपड़ों को मैं चेक कर रही हूँ उबैदुल्ला के सेपरेट, अपने सेपरेट वॉश करती हूँ. यूनिफॉर्म जो वाइट कपड़े होते हैं उनको सेपरेट वॉश करना है एंड हस्बैंड के सेपरेट वॉश करने हैं, क्योंकि उनके कलरफुल होते हैं तो जो वाइट होते हैं उनको सेपरेट करना है. तो उससे पहले कि हम लोड मशीन को चलाना स्टार्ट करें, इससे पहले कि मैंने कहा वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा क्लीन अप कर लेती हूँ, क्योंकि डीपली क्लीन तो मैंने कर ली थी लेकिन मैंने कहा जब भी मैं आती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप ज़रूर करती हूँ टिश्यू के साथ, क्योंकि ये होता है कि जब शेक करती है मशीन तो शेक करने की वजह से काफ़ी सारा पाउडर थोड़ा सा होता है एंड डस्ट होती है. तो अच्छा है टाइम के साथ साथ और हर टाइम में क्लीन कर लिया जाए. तो यहाँ पे जी लोड स्टार्ट कर रही हूँ उबैदुल्ला के कपड़ों के साथ, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसके कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बेबी है तो डेली के उसके कपड़े, सॉक्स, वेस्ट सब कुछ मीन वॉश करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे जी कम्फर्ट वालों का मैं डाल रही हूँ जी लिक्विड वॉशिंग लिक्विड, जो कि है उबैदुल्ला के कपड़ों के लिए, क्योंकि मैं तो डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ अपने कपड़ों के लिए और इसके लिए ये वाला यूज़ करती हूँ जी. यहाँ पे सॉफ्ट वालों का मैं जी यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक सॉफ्टनर, जिससे कपड़े सॉफ्ट भी होते हैं एंड उनमें बहुत ही प्यारी सी दिलकश सी फ्रेगनेंस आ जाती है, जिससे बहुत ही कपड़े नाइस लगते हैं. तो यहाँ पे जी हम करते हैं लोड का स्टार्ट, क्योंकि उबैदुल्ला के कपड़ों की टाइमिंग डिफरेंट है, उसका टाइम सेट करना एंड उसकी जो पावर है टेम्परेचर वगैरह वो सेट करना एंड उसका किस टाइम पे घूमेगी, कितने आवर्स लगेंगे तो उसको मेंटेन करना, ये हो गया. साथ में जो उबैदुल्ला के कपड़े मैं इस स्टैंड पर डालती होती हूँ, वो लोड फिनिश हो गया था, इस स्टैंड पे डालती हूँ ताकि एक जो बेबी के कपड़े सेपरेट रहे ताकि उसको फोल्ड करना या इकट्ठे करना इजी हो जाता है एंड माइंड में रहता है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो. तो इस तरह से एक स्टैंड पे मैं इसके डालती हूँ जो बहुत ही इजीली ड्राई भी हो जाते हैं. ड्रायर मैं बाय द वे यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसी तरह से यूज़ करती हूँ. ये है कि मैं ऊपर साइड पे डाल लेती हूँ कपड़े, जब मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरी चाहिए हो तो इस तरह से मैं उसको रेडिएटर पे डाल के ड्राई कर लेती हूँ. तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है. तो ये डाल रही हूँ मैं. इसको डालने के बाद जी अगले लोड की बारी आएगी जी, मेरे लोड की, देन इंशा के, देन हस्बैंड के. तो ये तो सारे कपड़ों का सर्कल चलता रहता है जी. अब अगला लोड जी टाइम आ गया है, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ. ये सारे कपड़े मैं निकाल के इसको हैंग आउट करूँगी एंड फिर ये नेक्स्ट डे पे इंशाल्लाह ताला ड्राई हो जाएंगे, तो उनको फिर मैं फोल्ड करूँगी, आयरन करूँगी, तो आपके साथ साथ करूँगी. ये आपको कम्प्लीटली आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एंड ये देखें जी कपड़े 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 कपड़े, आप हैरान रह जाएंगे कि इतने लोड से इतने ज़्यादा कपड़े थे मेरे यहाँ हो गए थे, इतने ज़्यादा आज के कपड़े हैं कि आपने भी कहा कि बेड फुल हो गया है. और जी यहाँ पे जी मेरी ड्यूटी स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट गो. इनको सबको मैं सेपरेट करूँगी, देन मैं इनको फोल्ड करूँगी, देन फिर जो आयरन करने वाले हैं वो आयरन करूँगी, हस्बैंड के जो गारमेंट्स हैं बस स्पोर्ट्स सॉक्स उनको सेपरेट करूँगी, इंशा के अंडरवेयर सॉक्स उनको सेपरेट करूँगी, उबैदुल्ला की सब कपड़ों को एक साइड पे रखूँगी, अपने कपड़ों को एक साइड पे. वैसे ये मेरे वीकली कपड़े नहीं हैं, ये 2 वीक के कपड़े हैं, क्योंकि लास्ट जब 2 वीक हम ठीक नहीं थे तो वो इकट्ठे होते रहे थे, तो ये 2 वीक के मेरे कपड़े हैं एंड आज जी आई है मेरी टर्न एंड शामत. हाँ जी मुझे पता आप लोग देख के कहेंगे कि जी आज तो ये थकने वाली, खैर मैं टायर्ड नहीं होने वाली क्योंकि ये तो मेरा डेली का मामूल है एंड आई एम यूज्ड टू.
तो अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात याद आई कि मेरी मेरी पास जब हम स्टूडेंट्स थे एंड हमारी मदर्स का रूटीन था कि हम सैटरडे को मशीन लगाते थे एंड संडे को फिर उसको आयरन करना, उसको फोल्ड करना एंड अपनी अपनी जगहों पे उनको सेटअप करते थे। मुझे याद है, मुझे आई थिंक मैं आई थिंक मेरी मम्मा अभी भी याद करती हैं कि जो बेंजीर है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र है, वो इस तरह से कंफर्टेबल फील करती है हर काम में, क्योंकि मुझे आई थिंक मैं वाकई वो मेरे अंदर बसा हुआ है जो मुझे मिला है, जो मुझे हैबिट मिली है। आई थिंक मैं वाकई शुरू से ही ऑर्गेनाइज़र हूँ। मुझे मैं कपड़े वॉश करते थे हम मशीन में एंड यू नो तब मशीन्स होती भी दूसरी थी, जो ड्रायर वगैरह नहीं होती थी, ऑटोमेटिक नहीं होती थी, खुद हैंड्स के साथ वॉश करते थे, फिर उसको नेक्स्ट डे ड्राई ड्राई होने उसके नेक्स्ट डे फिर मैं उसको फोल्ड करती थी, फिर उसको आयरन करके फोल्ड करके उनको हर क्लोजर में ऑर्गेनाइज करती थी। तो आई थिंक मैं शुरू से ही ऑर्गेनाइजर हूँ। तो यहाँ पर देखे कपड़े हो गए हैं और ये देखे कपड़े भी कुछ ज़्यादा, हस्बैंड के एक साइड पे हैं, बैलर के एक साइड पे, मेरे एक साइड पे, सब अपने गारमेंट्स वगैरह एक साइड पे हैं एंड कुछ कपड़े मैं सेपरेट रख रही हूँ क्योंकि वो कपड़े छोटे हो गए हैं जिनको मैं डालूंगी क्लॉथ बॉक्स के लिए, सेपरेट रखूंगी उनको, मैं सेपरेट कर रही हूँ। बस देखे, बस साथ साथ आपसे बात भी किया और साथ साथ से ये डन भी हो गया है और इन सब को मैं इनकी अपनी अपनी जगहों पे जाके सॉक्स को, अंडरवियर्स को, इंशरा की थिंग्स, उबैदुल्ला के कपड़े एंड हस्बैंड की शर्ट्स जो प्रेस करने वाले हैं उनको मैंने एक साइड पे कर दिया, वो सारे मैं उनको प्रेस करूँगी अच्छे से और उनको अपनी अपनी जगहों पर रखूँगी एंड जो प्रेस करने वाले हैं उनको प्रेस करूँगी जी। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है एंड बस हस्बैंड के ज़्यादा शर्ट्स हैं कुछ प्रेस करने वाली, या देखती हूँ बैदुल्ला की प्रेस करने वाली है, जो भी प्रेस करने वाले कपड़े हैं वो इनको मैं अच्छे से प्रेस करूँगी और इनको उनकी क्लोजर्स में हैंग करूँगी जो हैंग करने वाले हैं, जो फोल्ड करके रखने वाले वो रखूँगी एंड साथ में उबैदुल्ला के फोल्ड करूँगी। एंड अच्छा, इन शर्ट्स का बड़ा थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि मेरी जो आयरन है बहुत ही अच्छी है, स्टीम वाली है, वाटर वाली है, स्प्रे करती है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि जो मेरा ऊपर है जो थंब की जगह पे बटन है ना जिसे हम प्रेस करते हैं एंड नीचे मीन वाटर स्प्रे करता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरा जो थंब होता है वो दर्द होने लग जाता है बंदा कितनी देर तक प्रेस करे। तो इसलिए मैंने वैसे स्पेशल एक साइड पे रखा हुआ है वाटर स्प्रे, तो उसके साथ कर लेती हूँ तो बहुत इजी होता है। लेकिन ये है कि ये जो टी शर्ट्स होती हैं, एक तो इनको उल्टा उल्टी साइड से प्रेस करना, फिर सीधी साइड से प्रेस करना, इट्स नॉट ईजी जॉब। तो ये है कि टी शर्ट्स फिर बहुत ईजीली हो भी नहीं पाती हैं लेकिन हो जाती हैं एंड इस तरह से ये हो गई है जी हस्बैंड की। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं फ़ोल्ड कैसे करती हूँ हस्बैंड की शर्ट्स, कुछ फोल्ड करके रखती होती हूँ टी शर्ट्स, मैं इनकी फ़ोल्ड ही करके रखती हूँ, इस तरह से फोल्ड करती हूँ मैं। और कभी मैं आपको ज़रूर उनकी क्लोज़र का टूर करवाऊँगी कि मैं उनके जो ड्रेस हैं, ये शर्ट्स हैं, ये ट्राउज़र्स हैं, जो भी मेन थिंग्स है वो मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही टूर करवाने वाली हूँ। उसके लिए आपको बने रहना है मेरे चैनल पर। तरह से जी इसको हम फोल्ड कर देंगे, ये होगी है जी फोल्ड एंड बहुत ही नाइस लग रही है, ये देखें जी ये होगी है शर्ट फोल्ड। इनको भी बाकी सबको मैं कर लूँगी क्योंकि आज हस्बैंड के ज़्यादा कपड़े हैं, उनकी शर्ट्स वगैरह काफ़ी वॉश करने वाली थी क्योंकि लास्ट 2 वीक्स में मीन जब वो ठीक नहीं थे तो तब भी मैं ज़्यादा लाउंड्री नहीं कर पाई थी, इसलिए आज बहुत ही ज़्यादा लोड्स इकट्ठे हो गए थे। अच्छा जी, वो तो टी शर्ट्स थी एंड ये है कॉटन की शर्ट, मीन कॉटन भी नहीं है, ये कुछ डिफरेंट सा मटेरियल है कपड़े का और बहुत ही नाइस है, इसको ज़्यादा स्प्रे करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एंड अच्छा, मैं इस शर्ट की आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि ना, मुझे स्टार्ट में मैं करती थी कपड़े आयरन वगैरह लेकिन मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था या ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि एक शर्ट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स होती हैं तो उनको उसी हिसाब से उसी मेथड से प्रेस करना होता है, जो ये होती है ना जो होती है मीन ऑफिस शर्ट्स इस तरह की, तो इसको बड़ा एहतियात से बी केयरफुल होके प्रेस करना पड़ता। मुझे याद है कि करती तो थी लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था, जब मेरी स्टार स्टार में आपको स्टोरी सुनाती हूँ, स्टार स्टार में वैर शादी हुई थी तो हम किसी दावत में गए, तो तब हस्बैंड थे, तो
तो उन्होंने मुझे शर्ट डिप्रेस करने के लिए ना, तो मैंने की, लेकिन उनको पसंद नहीं आई। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि कॉलर से किस तरह प्रेस करते हैं, जो आर्म्स की कफिंग होती है, कफ के साथ वो चोनर्स होती हैं, वहाँ से कैसे प्रेस करते हैं, एंड जो बटन्स होते हैं सेंट मिडल में लगे होते हैं, वहाँ पर कैसे प्रेस करते हैं। ज़्यादा आई थिंक प्रॉब्लम मुझे हुआ था कॉलर से, कि जो कॉलर होता है ना उसको वो फिर मीन वो सेट नहीं हो पा रहा था। तो हस्बैंड फिर मुझे ये बस बताया कि जो कॉलर होता है उसको कैसे प्रेस करते हैं। ये मैंने कॉलर के पास से प्रेस करना है हस्बैंड से सीखा था। एंड क्योंकि इन शर्ट्स को थोड़ा सा डिफरेंट प्रेस करना पड़ता है, इनको जो बटन्स होते हैं उनके मिडल से, या क्योंकि इनके अंदर एक भी बल नहीं होना चाहिए। ये वो शर्ट्स होती हैं जो ज़ाहिर है ऑफकोर्स ऑफिस में पहनी होती हैं, तो बहुत ही भी केयरफुल होकर इनको प्रेस करना होता है। इस तरह से मैं बटन्स के अंदर से इस तरह से प्रेस करती होती हूँ, एंड जो कफ्स होती हैं उनको भी इस तरह से, जो आयरन की नोक होती है ना उससे प्रेस करना होता है, ताकि उसकी जो बल है या चोनट है वो ख़राब ना हो, डिसमिस ना हो, एंड वो अपनी जगह पे ही रहे। जी, तो ये शर्ट मैं प्रेस कर रही थी लेकिन ये प्रेस नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया। जी, तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। और तब मुझे वो बहुत याद, एक दफ़ा मुझे फिर अब बताया था, तो उसके बाद मैं वैसे ही करती हूँ, यूज्ड टू हुई हूँ। आप भी कहेंगे कितनी फनी सी स्टोरी है। खैर, बाय द वे, ये है छोटू की शर्टें, उसको भी मैं प्रेस करूँगी, उसी तरह फोल्ड करूँगी और जी रख दूँगी। जी, यहाँ पे नेली डन हो गए हैं सारे कपड़े, सारे क्लॉथ की प्रेसिंग एंड फोल्डिंग यहाँ पे हो गई है डन, और इन सब को अपने अपने प्लेसेस पे जाके मैं इनको सेटअप करूँगी। इसके साथ ही मेरा मोटिवेशनल लाउंड्री व्लॉग यहाँ पे होता है फिनिश, जो कि प्लंटी सारी मेरी लाउंड्री थी उनको फोल्ड किया मैंने, आयनिंग किया, मीन उनको सेटअप किया, एंड सब कुछ शेयर किया। इसके साथ ही मेरा वीडियो का होता है यहाँ पे दी एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।